बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, एंड यहाँ पर हाजिर हैं कौन नहीं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है ऑनर की जो डिवाइसेज हैं पाकिस्तानी मार्केट में इससे पहले भी लॉन्च हुई हैं, लेकिन ऑनर की डिवाइसेज को इतना अच्छा सक्सेस नहीं मिला। ऑनर जो है बेसिकली आपको पता है सब ब्रांड है हवावे का, और वही फीचर्स और वही सॉफ्टवेयर ऑनर भी हमें प्रोवाइड करता है जो कि हवावे प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर ऑनर की जो डिवाइसेज पाकिस्तानी मार्केट में आई थी, ऑनर 8X, ऑनर 10X, ऑनर 9X, ये तो हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिले, बट ऑनर की जो प्ले सीरीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है और सेलिंग सीरीज़ है बाहर के कंट्रीज़ में, तो सो वो सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट में हमें अभी तक देखने को नहीं मिली। ऑनर का एक डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ है ऑनर प्ले 5, जो कि अपने बजट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है और मिड रेंज का ऐसा स्मार्टफोन है जो कि मैं ये समझता हूँ कि आज तक टेक्नो इन्फिनिक्स ने भी इतने कम बजट में आपको इतने ज़्यादा फीचर्स किसी डिवाइस में प्रोवाइड नहीं किए होंगे। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और बात करते हैं डिवाइस की स्पेसिफिकेशन को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर और प्राइस को लेकर, ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में आएगा या नहीं आएगा। तो कंप्लीट वीडियो होने वाली है, वीडियो एंड तक वॉच करना, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लोको डिज़ाइन की बात करूं तो यहाँ पर ये जो लोको डिज़ाइन है ये हम इसको ये तो नहीं बोल सकते कि नया लोको डिज़ाइन है, बहुत सारी डिवाइसेज में हमें देखने को मिला, लेकिन ये जो डिज़ाइन है देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और इस डिवाइस की जो साइड फ्रेम है वो एलुमिनियम की है और बैक की जो फिनिशिंग है वो हमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की देखने को मिल जाती है। फ्रंट पर तो आपको वाटर ड्रॉप नॉइज देखने को मिल जाएगी, और जो फ्रंट पैनल यूज़ किया गया है वो है ओलेड डिस्प्ले। याद रखना, बजट रेंज के अंदर आप ओनर की तरफ से ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि सुपर एमोलेड पैनल से भी हाई एंड रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर 1080 की पिक्चर रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस डिस्प्ले के साथ आपको जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो जब आप इस डिवाइस की प्राइस सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम बजट में ऐसा डिवाइस कैसे लॉन्च हो सकता है। तो ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में जब आएगा तो काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग भी होगा। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर प्ले स्टोर का है, वो कन्फ्यूजन भी मैं जो है आपकी दूर करने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये जो डिवाइस है आउट ऑफ द बॉक्स EMUI 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा। यहाँ पर जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो है डायमेंसिटी 800 का, और ये 5G डिवाइस होने वाला है और ये सबसे कम बजट वाला 5G डिवाइस होगा क्योंकि यहाँ पर डायमेंसिटी 800 का चिपसेट यूज़ किया गया है ताकि आपको चीप लेवल के डिवाइसेस में भी जो है 5G प्रोवाइड किया जा सके। तो डायमेंसिटी 800 का आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इस डिवाइस में 64 मेगापिक्सल का बैक सेंसर है, 64 मेगापिक्सल का, और फ्रंट जो सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ तो 5G कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले है इस डिवाइस में, और अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो 3800 mAh की बैटरी है और 66 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है, और 66 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है। तो दोस्तों इस डिवाइस की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। रैम की अगर मैं बात करूँ तो 8GB रैम है, 128GB मेमोरी है। अब आ जाते हैं इस डिवाइस की प्राइस को लेकर और रिलीज डेट को लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन देखी, उस हिसाब से इस डिवाइस की जो प्राइस है वो तकरीबन 45-46 हज़ार रुपये होनी चाहिए, लेकिन ये जो डिवाइस है ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 33-34 हज़ार रुपये के बजट में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों चाइना में इस डिवाइस को डेब्यूट कर दिया गया है और वहाँ पर जो प्राइस आ रही है पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 30 हज़ार रुपये आ रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये डिवाइस जो है आपको 33-34 हज़ार रुपये के बजट में मिल जाएगा। अब ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा या नहीं होगा, देखिए बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जो कि बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि वीवो X60 था, अब उसकी बाकी सीरीज़ पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई, X50, X40, लेकिन वीवो X60 की सीरीज़ जो है पाकिस्तान में लॉन्च होगी, X60 की जो सीरीज़ है वो पाकिस्तान में लॉन्च हो गई है। तो यही बात है दोस्तों, बस टाइम जो है ऐसे डिवाइसेज आ जाते हैं और मुझे कहीं ना कहीं ये रूमर्स निकल कर आए हैं कि इस डिवाइस को जो है नेक्स्ट मंथ पाकिस्तानी मार्केट में हो सकता है लॉन्च कर दिया जाए। यहाँ पर प्ले स्टोर आपको नहीं देखने को मिलेगा, और आपको पता है हवावे ने अपनी ऐप गैलरी को कितना इम्प्रूव कर दिया है, और ऑनर भी जो है आपको वही ऐप गैलरी हवावे वाली प्रोवाइड करेगा। सेम ब्रांड है और जो ऑनर है वो सब ब्रांड है हवावे का, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है परफॉर्मेंस हवावे वाली ही देखने को मिलेगी। सो गाइस, ये डिवाइस आपको कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।